अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लड सप्लाई टू द ह्यूमन हार्ट। जो ह्यूमन हार्ट है इसके रिलेटेड हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, ब्लड सप्लाई जो होती है ह्यूमन हार्ट की, जो हमने इससे पहले सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पढ़े। जैसे मैंने बोला था कि जो वेनस ड्रेनेज होता है वो राइट एट्रियम में होता है। इसके बाद मैंने बोला था राइट वेंट्रिकल की बात की थी मैंने, फिर राइट एट्रियम की बात की थी, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल की बात की। तो ये जो सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, ये सारे जो हैं, ये ब्लड करते हैं पास कहां से, फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है, इट कैन बी सी, ये देखा गया है जो ब्लड है होता है, ब्लड कैन पास, जो ब्लड होता है वो पास होता है, वो कहां से पास होता है, वो पास होता है फ्रॉम द जो राइट और लेफ्ट वाला क्या होता है, राइट और लेफ्ट एट्रियम होता है, राइट और लेफ्ट क्या होता है, एट्रियम होता है। दैट मीन्स राइट और लेफ्ट एट्रियम से जो क्या होता है, राइट और लेफ्ट एट्रियम या राइट और लेफ्ट साइड जो होता है हार्ट का, वहां से ये पास होता है ब्लड। राइट और लेफ्ट जो राइट और लेफ्ट वाला साइड जो होता है हार्ट का, वहां से ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है वाया द लंग्स। वाया कहां की ओर, लंग्स की ओर, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन भी इसको कहते हैं, पल्मोनरी इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो उसके बाद क्या होता है कि यहां पे हम नोट करते हैं दो चीजें। एक तो हम करते हैं नोट आर्टेरिया जो होते हैं, दैट मींस आर्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। अगेन मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो गए, जो हमने देखे कि जो ब्लड पास हो गया वो राइट से लेफ्ट साइड से टू द ऑफ द हार्ट हो गया वाया द लंग्स, जो लंग्स थे या पल्मोनरी सर्कुलेशन थी, उसमें दो चीजें हमने नोट की। एक चीज हमने ये नोट की कि जो बोथ आर्टेरिया थे, बोथ ऑफ द आर्टेरिया जो थे वो कंट्रैक्ट हो गए, बोथ ऑफ द आर्टेरिया को क्या हो गया, वो कंट्रैक्ट हो गए, वो क्या हो गए, वो कंट्रैक्ट हो गए। एट द सेम टाइम पे दोनों जो आर्टेरिया थे वो क्या हो गए, वो कंट्रैक्ट हो गए। उसके बाद क्या है कि इसके बाद क्या है कि हम फॉलो कर रहे हैं, दिस इज फॉलोड बाय द साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। यहां पे साइमल्टेनियस क्या होती है, कंट्रैक्शन होती है, क्योंकि कंट्रैक्शन होती है, साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स ऑक्यूज। ठीक है, मैं बोल रहा हूं आपको कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए, ये हम देख रहे हैं कि ब्लड जो है ये पास हो रहा है कहां से, राइट और लेफ्ट वाला जो साइड होता है हार्ट का, वाया जो लंग्स होते हैं या पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है, वहां से हमने नोट किया कि जो बोथ आर्टेरिया थे वो कंट्रैक्ट हो रहे हैं एक ही टाइम पे। दैट मीन्स कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स ऑकर क्या हो रहा है, दोनों जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट हो रहे हैं। उसके बाद क्या है कि जो मसल्स होती हैं, क्या है, मसल्स ऑफ जो होती हैं, हार्ट मसल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो थिनर होती हैं। जो हार्ट मसल्स होती हैं, एक्चुअली हार्ट मसल्स जो आर्टेरिया की मसल्स एक्चुअली होती हैं, वो थिनर होती हैं देन दैट ऑफ द वेंट्रिकल्स। ठीक है, जो क्या होती है आर्टेरिया की, क्या होती है आर्टेरिया की जो मसल्स होती हैं, एक्चुअली द मसल्स ऑफ आर्टेरिया आर थिनर, जो आर्टेरिया की मसल्स होती हैं वो होती हैं थिकर देन दैट ऑफ द वेंट्रिकल्स। जो मसल लेयर्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द आर्टेरिया इज थिनर, वो थिनर होती है देन दैट ऑफ द वेंट्रिकल्स। दैट मीन्स आर्टेरिया की जो मसल लेयर होती है, मसल वॉल होती है, वो क्या होती है, वो होती है, वो थिनर होती है देन दैट ऑफ व्हाट, देन दैट ऑफ वेंट्रिकल्स। जो वेंट्रिकल्स के ये मसल लेयर होता है वो थिकर होता है। और दूसरी बात ये है कि दिस इज कंसिस्टेंट विद द अमाउंट ऑफ वर्क दे डू, ये कंसिस्टेंट होता है क्योंकि जो आर्टेरिया होते हैं वो कंटिन्यूअसली वर्क में होते हैं। ये इस वजह से होते हैं क्योंकि जो आर्टेरिया होते हैं वो कंसिस्टेंटली किस में होते हैं, वर्क में होते हैं। With the amount of work they do,
आर्टीरिया यूजुअली असिस्टेड बाय द ग्रेविटी. क्या है कि दूसरा पॉइंट ये है कि जो आर्टीरिया होते हैं ये इनको असिस्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स. जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इनको असिस्ट करता है, वो प्रोपेल करता है अमाउंट ऑफ ब्लड. वहां से प्रोपेल होता है, वहां से क्या हो जाता है, प्रोपेल होता है अमाउंट ऑफ द ब्लड ओनली थ्रू द आर्टीरियो वेंट्रिक्यूलर वाल्व्स. जो आर्टीरियो वेंट्रिक्यूलर वाल्व्स होते हैं वहां से प्रोपेल होता है ब्लड. वहां से प्रोपेल क्या होता है, वहां से प्रोपेल होता है ब्लड. ठीक है, तो मैं फिर से मैं बोल रहा हूं, जो आर्टीरिया होते हैं उसका जो मसल वॉल होता है दैट इज थिनर. तो अगर वो थिनर होता है दैट मीन्स वहां पे जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनका जो मसल वॉल होता है वो थिकर होता है. वो इसलिए होता है थिनर क्योंकि उनको कॉन्स्टेंटली काम करना होता है. दे डू कॉन्स्टेंटली वर्क एज वेल एज दीज आर गार्डेड बाय दीज आर एक्चुअली देयर इज अ फोर्स दैट एक्चुअली हेल्प देम टू propel the blood, that is the gravitational force. As well as क्या होता है, जो amount of blood वो तभी propel होता है only through the arterioventricular क्या होते हैं valves, जो फिर किसमें pass करते हैं blood को, ventricles में. While as जो ventricles होते हैं, ventricles actively pump करते हैं blood कहां की ओर, lungs की ओर or to the whole body. जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जो राइट वाला लंग होता है, राइट वाला वेंट्रिकल होता है वो पंप करता है ब्लड टू द पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए, पल्मोनरी एक्सचेंज के लिए. ठीक है, तो इसी तरह जो लेफ्ट वाला क्या होता है, वेंट्रिकल होता है, वो क्या करता है, वो सारे जिस्म तक क्या पहुंचाता है, खून पहुंचाता है. ठीक है, इसके बाद जो पल्मोनरी ट्रंक होता है वो लीव करता है हार्ट को. जो पल्मोनरी ट्रंक होता है वो लेफ्ट करता है हार्ट को from the upper part of the right ventricle. یم زن اپر پارٹ ہیرم پارٹ چھ آسان وینٹرکلک یم زن ہیرم پارٹ چھ آسان کس کا وینٹرکل کا رائٹ وینٹرکل کا اپر پارٹ ہوتا ہے یا ایروٹا ہوتا ہے وہ لیو کرتا ہے اپر پارٹ آف دا لیفٹ وینٹریکل. جو پلمنری ٹرنک ہوتا ہے, پلمنری ٹرنک لیوز دا ہارٹ. جو پلمنری ٹرنک ہوتا ہے وہ لیو کرتا ہے ہارٹ کو. ٹھیک ہے, कहां से, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला ट्रंक होता है किसका, हार्ट का. तो पल्मोनरी ट्रंक, जो पल्मोनरी ट्रंक होता है वो लीव करता है हार्ट को, मगर कहां पे, जो अपर वाला पार्ट होता है राइट वेंट्रिकल का. उसके बाद क्या है कि जो एरोटा होता है वो लीव करता है अपर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल. मैंने दो बातें बता दी यहां पे. पहली बात ये बताई कि जो पल्मोनरी ट्रंक होता है, पल्मोनरी ट्रंक जो होता है वो लीव करता है किस चीज को, वो लेफ्ट करता है, वो लेफ्ट करता है अपर पार्ट ऑफ, जो अपर वाला पार्ट होता है, अपर पार्ट ऑफ व्हाट, राइट जो एटीरियम होता है, अपर पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल जो होता है वो उसको लीव करता है. फिर मैंने दूसरी बात बताई कि जो एरोटा होती है, एरोटा इज द वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लड वेसल, वो क्या करती है, वो लेफ्ट करती है, मगर किसको लेफ्ट करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल को, वो लेफ्ट करती है लेफ्ट वेंट्रिकल को. पल्मोनरी ट्रंक जो होता है वो लीव करता है अपर पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल, और जो एरोटा होता है वो लेफ्ट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल को. उसके बाद क्या है कि जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, जब हम ब्लड सप्लाई क्या किसकी बात करेंगे, अब ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, मैं यहां पे पहले डिस्कस कर रहा था ब्लड सप्लाई टू एक्चुअली जो ब्लड सर्कुलेशन होती है किसमें, ह्यूमन हार्ट में, तो वो मैं बात कर रहा था. अब मैं बात करूंगा जो आर्टीरियल सप्लाई होती है किसको, ह्यूमन हार्ट को. ये कैसे होती है आर्टीरियल सप्लाई टू द हार्ट, जो ह्यूमन हार्ट है इसमें जो ये आर्टीरियल सप्लाई होती है ये होती है कि जैसे बाकी ऑर्गन्स में क्या होता है कि ये ब्लड सप्लाई होती है, आर्टीरियल सप्लाई होती है, इसी तरह ह्यूमन हार्ट में भी क्या होती है, आर्टीरियल सप्लाई होती है. लाइक द अदर ऑर्गन्स द ह्यूमन हार्ट, जो ह्यूमन हार्ट है वो क्या करता है काम, वो भी क्या करता है, वो भी ब्लड सप्लाई करता है, मगर वो भी क्या करता है, वो भी ब्लड को रिसीव करता है, आर्टीरियल ब्लड को रिसीव करता है. तो इसके बाद क्या है दूसरा वाला पॉइंट ये है कि इसमें एक अपना सा सिस्टम होता है, इसमें एक अपना सा वेस्कुलर सिस्टम है जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सप्लाई होती है. ब्लड जो होता है ये सप्लाई होता है, ये किसको सप्लाई होता है, टू द हार्ट को ये सप्लाई होता है. क्यों ये सप्लाई होता है, कैसे ये सप्लाई होता है,
वेस्क्यूलर सिस्टम से ये सप्लाई होता है। किससे सप्लाई होता है? वेस्क्यूलर सिस्टम से ये सप्लाई होता है। ब्लड इज सप्लाइड टू द हार्ट वाया द वेस्क्यूलर, जो वेस्क्यूलर सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, जो आर्टीरियल सप्लाई है, आर्टीरियल सप्लाई में मैंने पहले बोला कि जितने भी ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो जैसे रिसीव करते हैं आर्टीरियल सप्लाई, वैसे ही क्या है कि ह्यूमन हार्ट भी रिसीव करता है आर्टीरियल सप्लाई। दैट मीन्स आर्टीरियल सप्लाई इज एक्चुअली व्हाट? इट इज एक्चुअली द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ब्लड होता है। तो ब्लड जो सप्लाई होता है हार्ट को, वो कैसे सप्लाई होता है इसको? इट इज सप्लाइड, ब्लड इज सप्लाइड टू द हार्ट, ह्यूमन हार्ट, वाया द सिस्टम, वाया ए सिस्टम कॉल्ड एज वेस्क्यूलर सिस्टम, जिसको हम बाय इट्स ओन सिस्टम, जिसको वेस्क्यूलर सिस्टम कहते हैं। एक्चुअली ये वेस्क्यूलर सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं फिर कोरोनरी सर्कुलेशन। इसको अपना एक निजाम होता है जिसको हम वेस्क्यूलर सिस्टम कहते हैं, और इस सर्कुलेशन को हम फर्दर क्या कहते हैं? कोरोनरी सर्कुलेशन। अब इसके बाद दूसरी बात यह है कि जो एरोटा होती है, एरोटा मेन ब्रांच होती है किसकी? ये इट इज अ मेन ब्रांच ऑफ, इट इज अ मेन ब्रांच ऑफ व्हाट? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड की एक मेन ब्रांच होती है। ठीक है, एरोटा इज व्हाट? इट इज द मेन ब्रांच। ये मेन ब्रांच है या ये मेन ब्लड सप्लायर है, यहां से सप्लाई होता है। सप्लायर किसका होता है? यहां से सप्लाई होती है ब्लड किसको? सारे जो ह्यूमन बॉडी है, जो सारा ह्यूमन बॉडी है इसमें ब्लड सप्लाई होता है। इसके साथ साथ क्या है कि ये ब्रांच ऑफ करता है दो कोरोनरी ब्लड वेसल्स में, ये ब्रांच ऑफ करता है दो चीजों में। इट गेट्स, ये ब्रांच ऑफ होता है किसमें? दो कोरोनरी ब्रांच में, दो ब्रांच ऑफ इनटू द टू कोरोनरी, जो दो कोरोनरी क्या होते हैं? कोरोनरी ब्लड वेसल्स में ये ब्रांच ऑफ होते हैं, दो ब्लड वेसल्स में ये ब्रांच ऑफ होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं आर्टरीज। क्या कहते हैं इनको? इनको हम कहते हैं आर्टरीज। जो ये कोरोनरी आर्टरीज हैं, ये ब्रांच ऑफ करती हैं स्मॉल आर्टरीज में। तो मैंने पहले बताया कि जो एरोटा होती है ये मेन ब्लड सप्लायर होती है ह्यूमन बॉडी को। तो उसके बाद मैंने बोला कि ये ब्रांच ऑफ होती है दो किनमें? कोरोनरी ब्लड वेसल्स में। एरोटा जो होती है ये ब्रांच ऑफ होती है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू कोरोनरी ब्लड वेसल्स, तो जिनको हम क्या कहते हैं? आर्टरीज। उसके बाद फर्दर डिवीजन होता है, द कोरोनरी आर्टरीज फर्दर डिवाइड्स, ये फर्दर डिवाइड होती है किसमें? स्मॉल आर्टरीज में, विच सप्लाई, जो सप्लाई करती है एक्चुअली क्या? वो सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन रिच ब्लड। वो ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई किसको करती है? ह्यूमन हार्ट को, ह्यूमन हार्ट मसल को। उसके बाद जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, मैंने पहले ही बताया कोरोनरी आर्टरीज के दो ब्रांच होते हैं, दैट मीन्स राइट वाला ब्रांच होता है और लेफ्ट वाला ब्रांच होता है। जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो सप्लाई करती है मेनली टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट। जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो सप्लाई करती है किसको? राइट साइड ऑफ द हार्ट। जो राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है वो थोड़ा सा यहां पे ये बात जहन में रख लेना, राइट साइड ऑफ द हार्ट जो होता है वो स्मॉलर होता है देन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, क्यों होता है राइट वाला साइड स्मॉलर देन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट? बिकॉज इट पंप्स ब्लड ओनली टू द लंग्स। ये सप्लाई करता है ब्लड ओनली किसको? लंग्स में ये सप्लाई कर लेता है, ये सप्लाई करता है ब्लड ओनली टू द लंग्स। द राइट साइड ऑफ द हार्ट, जो राइट वाला साइड होता है हार्ट का, ये स्मॉलर होता है बिकॉज इट पंप्स ब्लड ओनली टू द लंग्स। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है, जो लेफ्ट वाली कोरोनरी आर्टरी होती है, अब जो लेफ्ट वाली कोरोनरी आर्टरी होती है ये ब्रांच करता है इनटू द लेफ्ट एंटीरियर, जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है, जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है, जो लेफ्ट वाली कोरोनरी आर्टरी होती है ये ब्रांच करती है किस चीज पे? ये ब्रांच करती है इनटू द लेफ्ट एंटीरियर, जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है। लेफ्ट डिसेंडिंग आर्टरी जो होती है ये यहां पे ब्रांच करती है। फर्स्ट क्या होता है कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, अगेन आई एम टेलिंग यू, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो होती है ये ब्रांच ऑफ करती है किसमें? लेफ्ट एट्रियम, जो लेफ्ट एंटीरियर क्या होती है? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है, तो इसमें ये ब्रांच ऑफ करती है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी फर्दर ब्रांच ऑफ इनटू द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग
आर्टरी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आती है। क्या आती है? सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आती है। क्या आती है? सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है ये सप्लाई करती है ब्लड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। जो सर्कमफ्लेक्स क्या होती है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है वो सप्लाई करती है ब्लड टू द लेफ्ट साइड। जो लेफ्ट वाला साइड होता है, इसका लेफ्ट वाला साइड होता है हार्ट का। मैं बोल रहा हूं कि जो एरोटा है इसके ये मेन सप्लायर होती है। इसमें दो ब्रांच होती है, तो कोरोनरी राइट वाली कोरोनरी ब्रांच होता है इसका, और दूसरा होता है लेफ्ट कोरोनरी ब्रांच। जो राइट वाला कोरोनरी ब्रांच होता है ये सप्लाई करता है राइट साइड ऑफ द हार्ट को। जो राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है ये थोड़ा सा स्मॉलर होता है, बिकॉज वहां पे क्या होते हैं, वहां पे लंग्स जो है, बिकॉज इट पंप्स ब्लड, ये सिर्फ और सिर्फ पंप करता है ब्लड लंग्स को। मगर जो लेफ्ट वाला कोरोनरी आर्टरी होती है ये इसका फर्दर डिवीजन होता है। ये इसका फर्दर डिवीजन ये होता है कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग एरोटा आती है, फिर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आती है, उसके बाद वो सप्लाई करती है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को। एज वेल एज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज ये लार्जर होता है क्योंकि इसमें ज्यादा मस्कुलर होता है, बिकॉज इसको पहुंचाना होता है ब्लड टू होल ऑफ द बॉडी। लेफ्ट वाला जो साइड होता है बॉडी ये हार्ट का, ये क्या होता है, लार्जर होता है देन द राइट साइड, बिकॉज इट हैज टू सप्लाई ब्लड टू द होल ऑफ द बॉडी। दिस इज ऑल अबाउट माय टुडेज लेक्चर इन विच आई हैव डन अबाउट द ब्लड सप्लाई टू द ह्यूमन हार्ट, एज वेल एज आई हैव डन विद द आर्टेरियल सप्लाई टू द ह्यूमन हार्ट। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर।